वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 69 ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स दिस वर्कशीट इज फॉर सेवेंटीन जनवरी 2022 टुडे आवर टॉपिक इज सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड दैट मीन्स चैप्टर नंबर थर्टीन ऑफ योर बुक्स नाउ लेट्स स्टार्ट वी हैव गिवन हमें सरफेस एरिया ज्ञात करना है तो सरफेस एरिया जब देख, देखते हैं जो कि इस ये आइसक्रीम बना हुआ आइसक्रीम का कौन बना हुआ है तो कौन सा पार्ट आपको बाहर से दिखेगा और कौन सा पार्ट ये दो फेस में बना हुआ है तो कौन सा पार्ट नहीं दिखेगा जो दिख रहा है उसको निकालना है यानी आपको ये वाला पार्ट इसके ऊपर जब ये डालेंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा ये गायब हो जाएगा तो हमें सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है ये वाला एरिया तो इसी का कम्बिनेशन यहां पे होगा ये वाला जो एरिया है जो ये 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 गायब हो जाएगा यानि इसका ये और इसका और वाला फेस गायब हो जाएगा जब तो कौन सा आपको दिख रहा है और कौन तो वो निकालना पड़ेगा और जो हिड़न है उसको हटाना है अब जैसे ये जो, आ, हट बना हुआ है तो ये आ, क्या है ये सिलिंड्रिकल सेप है तो सिलिंड्रिकल का यदि सरफेस एरिया निकालना है तो और नीचे यदि बेस है तो नीचे वाले का भी निकालना होगा यदि मिट्टी के ऊपर टेंट लगा हुआ है तो नीचे हम नहीं निकालेंगे तब तब सिर्फ ये वाला हिस्सा निकालेंगे और उसका ये वाला जो यहाँ वाला जो दोनों का पार्ट था यानी ये वाला पार्ट और इसका अपर पार्ट ये लेयर और इसका ये लेयर एक दूसरे को ओवरलैप कर देता है ढक देता है तो हमें सिर्फ इसका आउटर सरफेस और इसका आ, मतलब कार्ड सरफेस और इसका कार्ड सरफेस निकालना होगा ठीक है आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा और समझने का प्रयास करें यहाँ पे दिया हुआ है अ वुडन आर्टिकल्स आर मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिसफेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर यानी सॉलिड सिलेंडर है उसमें से uh, अंदर से स्कूपिंग आउट यानी हेमस्फेयर निकाल दिया गया है कुछ इस तरह यानी ये सिलेंडर है उसके अंदर ये इस तरह से स्फ़ेरिकल शेप निकाल दिया गया कट कर दिया गया है तो ये स्फेरिकल शेप ये बन रहा है दोनों साइड से ठीक है तो इसका कर सरफेस एरिया कह रहा निकालने के लिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्ट तो देखिए पहले इसका रेडियस की बात करें तो रेडियस जो इसका है वो आ, इसका भी वही रेडियस होगा जो स्फेयर का हेमिसफेयर है और जो आ, आपका सिलेंडर है दोनों का रेडियस सेम होगा तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर इजगल टू रेडियस ऑफ हेमिसफेयर इज गिवन थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट कह रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर एच कि दस सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये आउटर और इसका कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सॉरी हेमिसफेयर तो सी एस ऑफ सिलेंडर और सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर ये और हेमिसफेयर ये तो टू हेमिसफेयर है तो टू इंटू सी एस ऑफ हेमिसफेयर तो इसका फॉर्मूला पहले मल्टीप्लाई करने से पहले पहले सॉल्व करने से पहले इसको कुछ सॉर्ट आउट कर ले जिससे आसानी से यहीं पे कुछ आपको सॉल्व हो जाता है देखिए यहाँ पे दिया हुआ टू पाई आर एच कम से कम कैलकुलेशन में आपको समय भी बचाना है तो यहाँ पे इसका आ गया टू पाई आर एच टू पाई आर एच और इस, इसका होगा प्लस टू टू जा फोर फोर पाई आर स्क्वायर तो इस दोनों में टू कॉमन दोनों में है पाई कॉमन और आर कॉमन इधर से बच गया एच और इधर से बच गया टू आर तो अब इस से सोल्व कर लीजिए आसानी से सोल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम तो ये आपका टू हो गया और पाई का वैल्यू दिया हुआ है ट्वेंटी टू बाई सेवन और इनटू आर दिया हुआ सेवन बाई टू है क्योंकि थ्री बाई थ्री पॉइंट फाइव है तो सेवन बाई टू कर सकते हैं और एच का मतलब दस है और ये सात हो जाएगा इसका डबल यानी सात ये हो गया तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा सत्रह और ये सात चला गया और दो ये चला गया तो ये सत्रह को बाईस से गुना करेंगे जिससे थ्री सेवन फोर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ठीक है अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका यूनिट लगाना ना भूले सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आया थ्री सेवन फोर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ भी यही किया है तो थ्री सेवन फोर सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट सवाल सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट ये दिया हुआ है सेवन सेंटीमीटर हाइट है बेस दिया हुआ है आपको ट्वेल्व सेंटीमीटर अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट यानी कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है uh, ये सॉलिड फिगर है तो देखिए ये uh, आपको ये नीचे वाले भी पैक है तो नीचे भी उसका एरिया निकलेगा बेस का भी और उसमें से ये भी निकलेगा तो इसमें सबसे पहले आपको एल निकालने की जरूरत है क्योंकि इसका होता है कर्ड सरफेस एरिया जो होता है कर्ड सरफेस एरिया कोन जो होता है कोन के लिए आपको एल निकालना होगा एल क्या होता है एल जब हम ये कोन बनाते हैं तो इसके ऊपर ये जो ये जो आर है और ये एच है तो एल बराबर में होता है एल बराबर में होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो देखिए यहाँ पे एच क्या है ये टोटल दिया हुआ है आपको डायमीटर इसका छ दिया हुआ है ट्वेल्व दिया हुआ है तो इसका हाफ हो जाएगा छ तो इस तरह से इसका तो ये सात हाइट दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने पे रूट एट्टी सेंटीमीटर आया अब हम कर्व मतलब टी एस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा एरिया ऑफ बेस यानी नीचे वाला एरिया आ, नी, इसका एरिया निकालेंगे और साथ ही कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सॉरी कोन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन तो इसको निकालेंगे यह होगा यहाँ पे टू पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वा तो पहले ही कॉमन ले लिया पाई आर तो टू एच प्लस एल आर प्लस तो जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये इसका एरिया आया ठीक है अब हमेशा की तरह आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए तो आइए सवाल को हल करें यहाँ पे सवाल है जो कि बैंक मेड अ फॉर हिज गार्डन इन शेप ऑफ सिलेंडर विद हेमस्फेरिकल डिप्रेशन यानी और कह रहा है सी फिगर टू फिगर टू की तरह देखना है फिगर टू जो था यानी इस तरह नीचे वाले भी इसमें चाहिए तो देखिए नीचे वाले फेस भी चाहिए तो हम जब बनाते हैं तो एक सिलेंडर बनाएंगे सिलेंडर के नीचे वाली आकृति भी उसमें इंक्लूड होगा ठीक है और उसके अंदर एक हेमिसफेयर कटा हुआ है डिप्रेशन है तो इसकी हाइट दिया हुआ आपको दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है जीरो पॉइंट ये इस तरह से जीरो पॉइंट सेंटीमीटर में करें या मीटर में करें तो ये मीटर में यदि करते हैं तो जीरो पॉइंट थ्री मीटर हो जाएगा और हाइट दिया हुआ है आपको इसका न, वन पॉइंट फोर मीटर तो यहाँ पे वन पॉइंट फोर मीटर निकालिए अब हम इसको यदि सॉल्व करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ क्या हो जाएगा टोटल सरफेस सीएसए सी एस ए ऑफ सिलेंडर सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ ऊपर वाला हेमिसफेयर uh, और साथ में इसका एरिया ऑफ बेस भी एरिया एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर तो हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या क्या हो जाएगा सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपको पता है टू पाई आर एच और इसका हेमिसफेयर का जो होता है टू पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले का होता है पाई आर स्क्वायर तो इस तरह से हम इकट्ठे क्या करेंगे आ, फिर से एक बार और लिखते हैं टू पाई आर एच और प्लस ये टू पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर मिल करके थ्री पाई आर स्क्वायर हो गया जिसको सॉल्व करने पे हमें जो आंसर आता है यानी टू पाई इसमें से देखिए पाई कॉमन पाई कॉमन और आर कॉमन तो पाई आर बाहर निकल गया इधर से बचा टू एच और इधर से बचा आर एक निकाल लिए थे तो थ्री आर अब इसका वैल्यू रख दीजिए तो वैल्यू हमारे पास पाई की तो बाईस बटे सात दिया हुआ है बाईस ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है जीरो पॉइंट थ्री तो जीरो पॉइंट थ्री रखें और टू एच यानी टू इंटू वन पॉइंट फोर और प्लस थ्री आर थ्री इंटू जीरो पॉइंट थ्री को जीरो पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन और इंटू इसको थ्री बाई टेन कर लें और इसको जोड़ेंगे तो चौदह दुनिया अट्ठाईस और नौ सैंतीस थर्टी सेवन बाई टेन हो जाएगा अब ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है तो आप ऐसा करें बराबर में ट्वेंटी ये ट्वेंटी टू और इंटू थ्री और इंटू थर्टी सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे और सात फिर दो डिजिट बाद डेसिमल डालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये अप्रोक्सीमेटली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू फोर फोर टू और बाय सेवन इंटू इसको करेंगे तो हमारा आएगा आ, थ्री यदि हम आ, इससे डिवाइड करते हैं तो थ्री फोर एट और आ, नाइन कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा आ रहा है तो आ, ये आएगा दो डिजिट बाद डेसिमल मतलब यहाँ पे डेसिमल था अब दो डिजिट बाद डेसिमल डाल देते हैं तो ये यह यहाँ पे आ जाएगा यानी हमारा जो आंसर आएगा आएगा थ्री पॉइंट फोर एट के बदले आप फोर नाइन भी रख सकते हैं आ, फोर नाइन अप्रोक्स और ये तो आया आ, लेकिन यूनिट क्या देंगे यूनिट ये क्यूब है मतलब स्क्वायर में है तो ये आ, सेंट, न, मीटर स्क्वायर तो इसको आंसर लिखें आंसर लिखेंगे थ्री पॉइंट फोर नाइन मीटर स्क्वायर अप्रोक्स ठीक है नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहां पे सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आ, यहां पे दिया हुआ है अ सॉलिड वुडन टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरबाउंडेड बाय अ कोन यानी इस तरह की आकृति है यानी नीचे हेमिसफेयर है और ऊपर में एक न, कोन है द रेडियस ऑफ हेमिसफेयर यानी ये दिया हुआ है ये दिया हुआ थ्री पॉइंट फाइव और उसके ऊपर में टॉय लगा हुआ है और इसका एच मान लेते हैं ये एच है इसका हाइट तो हमें इसका एरिया वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ टॉय जो होगा इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमस्फेयर होगा और उसमें प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन होगा वॉल्यूम ऑफ टॉय दिया हुआ आपको यहाँ पे एक गलत मतलब प्रिंट हो गया है वन सिक्स सिक्स और ये फाइव बाई सिक्स है ठीक है तो ये बराबर में वॉल्यूम ऑफ हेमिस फेयर कर लेंगे हम तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस क्या होता है टू बाई थ्री पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू और इसका क्या होता है कौन का होता है वन वाई थ्री पाई आर एस्वायर और एच तो इसमें हम क्या करें आ, ये आ, इसको हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आ, सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब इम्प्रोपर फ्रैक्शन में करते हैं तो वन जीरो जीरो वन अपॉन में सिक्स आता है और इधर से आ, हम वन बाई थ्री और पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो इधर से टू और एक टू आर बचेगा और इधर से वन बाई थ्री और पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एच बनेगा अब देखिए वन बाई थ्री और पाई की वैल्यू तो ट्वेंटी टू बाई सेवन होता है आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है थ्री पॉइंट फाइव तो इसको सेवन बाई टू भी कर सकते हैं तो सेवन बाई टू इंटू सेवन बाई टू हो जाएगा और ये हो जाएगा टू इंटू सेवन बाई टू और प्लस एच तो एच नहीं मालूम है आ, ए वन जीरो जीरो वन अपॉन में सिक्स बराबर में वन बाई थ्री इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू सेवन बाई टू इंटू सेवन बाई टू और ये हो जाएगा ये टू से टू कट गया सेवन प्लस एच अब देखिए यहाँ से काटना शुरू कीजिए एक ये सात से ये सात कट गया इसके नीचे वाला जो कट जाएगा तीन दूनी छः इससे कट जाएगा दो से इसको काटेंगे ये हो जाएगा ग्यारह अब क्या हो गया हमारे पास एक जीरो जीरो एक अपन में ये ग्यारह और सात सात तो ग्यारह गुने सात बराबर में सात प्लस एच इससे काटेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो तेरह आता है इससे काटेंगे ग्यारह से काटेंगे तो ये में आएगा और ये सात से काटेंगे तो ते, तेरह आ जाएगा तो तेरह बराबर में सेवन प्लस एच तो इस तरह से हमें एच की वैल्यू क्या हो जाएगी ये सेवन घट जाएगा तो ये सिक्स मीटर मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में दिया हुआ है मीटर स्क्वायर तो आपको इस सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये आ जाएगा ये सिक्स सेंटीमीटर ठीक है अब हमारा एच आ गया अब हमें क्या कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ऑल यहाँ पे दिया आल्सो ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ टॉय तो हेमिस्फेरिकल पार्ट में यदि आप हम इसको पेंट करेंगे तो क्या यूज होगा टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय तो कितना चाहिए टोटल सरफेस एरिया टॉय uh, जो हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर सी एस ए ऑफ कोन और प्लस सी एस ए ऑफ सी एस ए ऑफ हेमिसफेयर हेमिसफेयर तो कोन uh, का क्या होता है कोन का uh, जो पाई आर एल होता है और सी एस एफ हेमिसफेयर सेमिस्फेयर हेमिसफेयर का जो होगा सी एस ए वो होता है आ, टू पाई आर स्क्वायर अब नया चीज़ आ गया यहाँ पे एल तो एक बार देखते हैं हमारा जो ये इस तरह से ये राइट एंगल बन जाता है ये दिया हुआ आपको थ्री पॉइंट फाइव और आ, ये आ गया आपको सिक्स जिससे बच्चों यहाँ पे एक सवाल में एक कुछ ट्विस्ट दिया गया है तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट यानी नीचे वाले हिस्से का ही पेंट करना है इसी को पेंट करना है ऊपर वाले को नहीं करना है तो हम एल के चक्कर में ना पड़े हमें सिर्फ इसका निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंट का हेमिस्फेयर का तो सी एस ए ऑफ सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर यदि निकालते हैं आ, तो आ, क्या होता है क्रट सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर निकालेंगे तो टू पाई आर एस्क्वायर तो दो और ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर की वैल्यू तो आपको दिया हुआ है सेवन बाई टू सेवन बाई टू यानी सेवन बाई टू इंटू सेवन बाई टू तो एक सेवन से एक सेवन कट गया टू से टू कट गया और इस टू से एलेवन हो गया तो तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा इसको आ, ये सेवन से जब हमने इसको काट दिया टू से ये कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये अलेवन और ये सेवन तो यानी सेवेंटी सेवन हो चुका सेवेंटी सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर अब दस पैसे पर आ, उसका पेंट करने के लिए ले रहा है तो आ, इसको दस से मल्टीप्लाई कर देंगे पेंटिंग कॉस्ट जो हो जाएगा पेंटिंग कॉस्ट पैसे पर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर तो इसको हम कर देंगे तो सेवेंटी सेवन को टेन से करेंगे तो यह हो जाएगा सेवन रुपीज सेवन पैसे मतलब सेवेंटी पैसे इतने रुपीज इतने रुपीज हो जाएगा ये हमारा आंसर हो गया अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद